आज मैं आपको एक कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। इसे कैसे काटना है और कैसे सिलना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कटिंग से पहले नाप समझ लेते हैं। शोल्डर है 12 इंच, सीना है 39 इंच, कमर है 37 इंच, हिप से 41 इंच, लंबाई है 37 इंच, आस्तीन है 5.5 इंच, मोहरी है 12 इंच। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो ये कपड़ा मैंने 2 मीटर लिया है, तो इसका जो जॉइंट है इसको पहले खोल लेंगे, अलग कर लेंगे इसको। तो ये पीछे का अलग कर दिया है और ये आगे का। आगे के पार्ट को उल्टा किया, इसको अब डबल कर दिया है और इसको बराबर से मिला लेना है। नीचे इसको फोल्ड नहीं करना है, इसमें बॉर्डर पहले से है, तो इसको बराबर मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई 37 इंच है, यहाँ पे 37 पे ही इंची टेप को रखना है और यहाँ पे निशान लगा देंगे। लंबाई के बाद आधा इंच हम ऊपर की साइड दबाने के लिए लेंगे, तो आधा इंच यहाँ पे निशान लगाया। अब नीचे की साइड हमें बिल्कुल नहीं लेना है, पूरी लंबाई हमने रखी है। शोल्डर है 12 है, तो 6 का निशान लगाएंगे। 6 पे निशान लगाया, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। एक पैर के मार्जिन से खुले गले की कुर्ती बन रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अब हम सीना का निशान लगाएंगे। सीना 39 इंच है, तो उसका आधा करना है। तो आपको सरल तरीका बताती हूँ, फास्ट आप इस तरह कर सकती हैं। 39 का आधा हुआ 19.5, 19.5 का आधा होगा। इस तरह आप मिलाएंगी तो चौथाई भाग आराम से निकल आएगा, तो 10.25 होगा। तो इसका चौथाई भाग रखेंगे 10.25, तो ये फिटिंग का निशान लग गया। अब यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा दिया। अब यहाँ से पहले मुड्ढा के लिए निशान लगा लेते हैं। 6.5 पे मुड्ढा के लिए निशान लगाया और इस निशान को सीधा कर देते हैं, तो 7.5 पे लगी गई कमर के लिए निशान। 7.5 के बाद 8 पे रखेंगे हिप्स के लिए, तो यहाँ से भी आप लंबाई ले सकती हैं। इसका हाइट के हिसाब से इसका आ रहा है लंबाई खोलने के इधर 21.5 पे, तो जिससे जिसकी हाइट हो उसी तरह इसको रखा जाता है। अब इस निशान को सीधा कर देते हैं। अब यहाँ से कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो कमर जैसे हमारी है तो 37 का आधा रखेंगे। तो जैसे 37 हुआ, ये 37 हुआ, 37 का आधा 18.5। अब 18.5 का भी आधा कमर के लिए रखना है 9.25, ये 9.25 पे निशान लगा दिया। अब हिप्स 41 है, 41 का आधा रखेंगे 10.25। अब इन निशानों को मिला लेते हैं। यहाँ से इस तरह तिरछा करेंगे, यहाँ से इसको मिलाना है, तो इस तरह मिला दिया। अब इस निशान को सीधा कर देते हैं, तो ये निशान लग गया। अब यहाँ से जो 2 इंच के हिसाब से ही मार्जिन यहाँ तक लाएंगे, यहाँ पे थोड़ा घटा देंगे। इस निशान से हम इधर सीधा करेंगे, जैसे हिप्स का है 10.25, तो 10.25 का ही हम ये पार्ट बनाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे यहाँ से। और ये इसमें फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लिया, तो आपको हिप्स का भी ध्यान रखना है कि किसी का सीना से ज़्यादा चौड़ाई इधर होती है, तो उसी हिसाब से रखना है इधर का पार्ट, मतलब जो चौड़ाई ज़्यादा है उसी के हिसाब से इधर रखना है। अब गला बनाएंगे, यहाँ पे गला लेंगे 2.5 इंच का, लंबाई लेंगे 6.5 इंच और यहाँ पे यहाँ से 1 इंच का तिरछा जाएगा इस तरह। और यहाँ पे भी गुलाई दे देंगे इस तरह, गले में तो 0.5 इंच से कम ही देते हैं, इस तरह गुलाई दे देना है। अब यहाँ पे
हम दो पॉइंट कम करेंगे। तिरछा करने के लिए यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा सा कम। अब कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे कट के निशान लगा देना है। इस तरह कट के निशान लगाना है कि यहाँ से ये पार्ट अलग अलग खुलेंगे। यहाँ पे सिलाई रोकने के बाद इनको अलग अलग करना है। तो ये निशान लग गया, एक निशान इधर लगा देंगे जिससे आपको याद रहेगा कमर से तिरछी सिलाई करना है, और दूसरा निशान इधर लगा देंगे, आपको याद रहेगा कि हमें सिलाई यहीं से डालना है। सीना के लिए तिरछा सिलाई इधर से ही जाएगा। अब हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। तो पीछे के पार्ट के लिए बिछाया तो ये सीधा है, अब हमने इसको उल्टा कर दिया। इसको उल्टा करने के बाद अब हम इसको रख लेंगे। ये जैसे बड़ा है तो इसके बराबर ही करेंगे। पहले इसको मिलाने के बाद इसको रखेंगे इसी के ऊपर। इसको बराबर से, यहाँ से तो बराबर रहेगा, लेकिन इस जिसमें ये लेस बॉर्डर लगा रहता है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है पीछे की साइड, कि इसको तो मोड़ना नहीं है और इसको बिना मोड़े छोड़ना नहीं है, तो इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है जो अंदर की साइड मोड़ना है। तो जैसे हमने 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ा है तो 1.5 इंच हम इधर छोड़ेंगे। ठीक है, तो 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाना है इसको। तो ये जो कट के निशान है इसको इस तरह मिला देना है कि सिलाई का सीध रहेगी। अब यहाँ से मुड्ढा को सिर्फ आधा इंच का गैप देना है। तो आप यहाँ से मिलाते हुए आइए, गला देख लीजिए कि 2.5 इंच का ही गैप रहना चाहिए, और बस इस तरह बराबर मिलाया। और यहाँ से इस तरह नीचे की साइड आते हुए आधा इंच के हिसाब से गैप दे देना है। तो आगे से पीछे में बस सिर्फ आधा इंच का फर्क होता है। और यहाँ से पूरा सेम आएगा। गला पीछे का बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसको एक निशान तो हमने इसके बराबर से लगा दिया, अब यहाँ पे जितना बढ़ाना चाहती हैं उतना बढ़ा सकती हैं। जैसे इसको काटा था हमने 6.5 से, तो पीछे का गला काटेंगे 7.5 से। 1 इंच ही बढ़ाना है। मैं इसमें 1 इंच बढ़ा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो 1 इंच 2 इंच बढ़ा सकती हैं। और सेम काट देंगे। काटने के बाद इधर भी कट लगा देंगे जिससे सीधे में हमारी सिलाई जाएगी और आपको सिलते समय पार्ट मिलाने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये तो कटिंग हो गई है, बस यहाँ पे बॉर्डर वाले में आपको इधर ही ध्यान रखना पड़ता है कि कपड़ा छोड़ना है। अब इसके बाद आस्तीने काटेंगे। ये हमारा कपड़ा सीधा है, अब हम इसको उल्टा कर देंगे। तो दोनों आस्तीने एक साथ निकाल लेंगे और इसको एक बार फोल्ड इस तरह कर दिया। तो इस तरह फोल्ड किया, डबल हो गया। अब इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। तो आस्तीन की लंबाई है 5.5 इंच, तो 1/2 इंच जाएगा ऊपर की साइड दबने में और 5.5 रहेगा हमारा सेप। जो हमारा 5.5 लंबाई है वो ये हो गई, ये 5.5 हो गई लंबाई। अब इसको एक्स्ट्रा, अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहती हैं तो 1.5 इंच रखिए, नहीं तो इसे 1 इंच रखेंगे जो सिलाई डलेगी। पूरी आस्तीन को 7 इंच का निकाल लिया, 1/2 इंच ऊपर की साइड, 1 इंच नीचे की साइड। अब यहाँ पे 8.5 रख देंगे हम तिरछा। अब आप पूछेंगे 8.5 क्यों, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मुड्ढा हमने 6.5 का काटा था, लेकिन ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है 2 इंच, कभी कभी गहराई की वजह से
ढाई इंच भी बढ़ जाता है। तो आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह इसको नाप के आसिन काट सकते हैं। यहाँ से रखिए, ये आधा इंच दबने में जाएगा, उसके बाद आप इस तरह नाप सकती हैं। तो ये 8.5 का ही आएगा, तो 8.5 की आस्तीन आपकी परफेक्ट रहेगी। और आस्तीन कभी छोटी नहीं काटना है आपको, मुड्ढा से आस्तीन छोटी नहीं कटनी चाहिए। अगर आप छोटी आस्तीन काट देंगी तो उसे खींच के लगाओगी तो ये इसका सेप बिगड़ जाएगा। तो आपको आस्तीन कभी खींच के नहीं लगाना है। तो यहाँ पे 8.5 का निशान लगाते हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया जो मार्जिन के लिए है, और 2.5 इंच का यहाँ पे गैप दिया। इस निशान को सीधा कर देंगे। मोहरी 12 है तो 6 का निशान लगाएंगे। तो ये 6 पे निशान लगाया। अब 1 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए देंगे और इस निशान को इससे मिला दिया, ये मार्जिन के निशान से मिला दिया। और अगर काटने में आपकी आस्तीन कभी भी छोटी हो जाती है तो आप खींच के मत लगाइए, ये जो मार्जिन का कपड़ा बचता है उसे थोड़ा सा यूज कर सकती हैं आप, लेकिन आस्तीन को खींचना नहीं है। अब इसको खोलेंगे। अब यहाँ पे 1.25 इंच का गहराई देना है। फिर एक बार समझा देती हूँ, जैसे यहाँ पे 1/2 इंच होता है तो 2 पॉइंट मिला देते हैं तो ये 1.25 हो जाता है, और यहाँ पे 2 पॉइंट और मिला देते हैं तो 1 इंच हो गया। अब सवा कहते हैं 2 पॉइंट बढ़ा दिए तो ये 1/2 हो गया, फिर 2 पॉइंट बढ़ा दिए तो ये 1.5 हो गया, फिर 2 पॉइंट बढ़ा दिए तो 2.25 हो गया, और 2 पॉइंट फिर बढ़ाए तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 1/2 इंच की यहाँ पे गहराई देना है, मतलब 2 पॉइंट कम। इस तरह गहराई दे देना है कि ये हमारा सीधा है। तो यहाँ पे इस तरह गुड़ का निशान लगा लीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कि ये हमारा सीध है। तो आस्तीनें कट गई हैं। अब गले के लिए पट्टी निकालना है, तो ये जो गला काटा था हमने उसी को पहले निकाल लेते हैं। तो इस तरह कपड़ों को निकाल लेना है, जो गले का कट का कपड़ा बचता है उसी को निकाल लिया है। इस कपड़े को फैलाया, उसके बाद इस गले को उसी के ऊपर रख देंगे। अब इस गले को हमें सेम काटना है, जो आकार में होता है उसी आकार का पट्टी निकालने पड़ती है। तो यहाँ पे निशान लगाया, इसी को घेर देंगे इस तरह, और यहाँ पे 1.5 इंच के हिसाब से रखेंगे। तो इस तरह सेम गोल निकाल ली है। इसी तरह अब हम पीछे की गले को निकाल लेंगे। ऐसे ही आपको गले के लिए पट्टी निकालना है, इससे क्या है आपका गला बिल्कुल ऐसा ही गोल रहेगा। ठीक है, तो कटिंग पूरी हुई, ये दोनों गले की पट्टियाँ हो गई हैं, ये आस्तीन हो गई हैं, और ये हमारे आगे और पीछे के पार्ट्स हैं। तो सूट की कटिंग बहुत आसान है और ये जल्दी भी सिल जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि गर्ल में और वुमेन की थोड़ी फिटिंग अलग हो जाती है। तो जैसे कि जब हम 36 या 34 इंच का बनाते हैं सूट, तो यहाँ से ज़्यादा हिप्स में नहीं बढ़ाते, लेकिन जब लेडीज के लिए बनाते हैं, वुमेन के लिए बनाते हैं, तो थोड़ा हिप्स पे भी ध्यान रखना पड़ता है, इधर की चौड़ाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे यहाँ पर हमारे पार्ट्स इसी हिसाब से पार्ट्स निकालते हैं। तो चलिए सिलना शुरू करते हैं। एक पार्ट उठाया, सबसे पहले गला बनाएंगे, तो इसे सीधा रखा, पट्टी को उल्टा रखेंगे और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाएंगे। 2 पॉइंट के हिसाब से पूरा गोल घुमाते जाना है। इसमें सिलाई लगा ली है, इसी तरह पट्टी हम पीछे के पार्ट में लगाएंगे। इसको भी सीधा रखा और पट्टी को उल्टा रखेंगे और सीधा गोल सिलाई घुमा देंगे मिलाते हुए। तो सिलाई लगाने के बाद
अब इसमें कट के निशान लगाना है, जहाँ से गुलाई दी है वहीं पे कट के निशान लगाना है। तो कट के निशान इस तरह लगाना है कि सिलाई नहीं कटना चाहिए, तो इस तरह लगा देना है कट के निशान। इसी तरह हम इसमें भी कट के निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब इसको थोड़ा प्रेस से फोल्ड करेंगे, तो इस पे इस तरह प्रेस कर लेना है, आधा इंच दबाते हुए प्रेस लगाना है। आधा इंच दबाते जाना है और प्रेस करते जाना है। प्रेस लगाने के बाद हम इसको सीधा कर देंगे और इसको अंदर की साइड दबा देंगे इस तरह। तो इसको पीछे की साइड कर दिया है। अब इस तरह दबाते हुए प्रेस एक बार इस साइड से लगा देना है। बिना बकरम का है इसलिए इसको थोड़ा संभाल के लगाना पड़ता है। इसी तरह प्रेस अब हम आगे के पार्ट पे करेंगे। तो इसको आधा इंच फोल्ड करना है और इसको अंदर की साइड दबा देना है इस तरह। आधा इंच फोल्ड किया और प्रेस से अंदर की साइड दबाना है, इसी तरह प्रेस लगाना है। तो इस पे प्रेस हो गई है। प्रेस करते समय आपको ध्यान देना है कि आगे की साइड ए वाली पट्टी को नहीं निकलना चाहिए, पट्टी आगे की साइड नहीं निकलना चाहिए। जैसे ये पीछे की साइड ही है तो ए वाला कपड़ा इस तरह आगे की साइड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पे हम सिलाई डालेंगे, कच्ची वाली सिलाई लगाएंगे। तो अब हमें कच्ची सिलाई लगाना है जो हम यहाँ से लगाएंगे, बीच से लगाना है। तो एक डेढ़ इंच के हिसाब से यहाँ पे छोड़ना है दोनों साइड से। कच्ची सिलाई इस पे लग गई है, इसी तरह सिलाई हम इस पे लगाएंगे। तो इसमें शुरू से ही कच्ची सिलाई लगाना है। ये जो कच्ची सिलाई लगाई है इसे बाद में निकाल देंगे। मैं इसमें लेस लगा रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकती हैं और नहीं है पसंद तो ज़रूरी नहीं है कि आप लेस लगाएं, तो प्लेन ही रख सकती हैं। तो इसमें मैं गोल्डन कलर का ही धागा यूज करूँगी और दो पॉइंट यहाँ पे छोड़ेंगे। लेस लगाते समय दो पॉइंट यहाँ पे छोड़ रही हूँ और इस पे दो सिलाई चलाएंगे और दूसरी पट्टी हम यहाँ से लगाएंगे और दो पॉइंट यहाँ पे भी कपड़ा छोड़ेंगे। तो इस तरह इसको घुमाते हुए ले जाना है और इस पे दो दो सिलाई लगाना, दोनों साइड से लगाना है। तो पीछे का गला बन के तैयार है। अब इसमें जॉइंट लगाना है। अब इसको सीधा कर लेते हैं पहले। तो इसको सीधा रखेंगे और इस पार्ट को उल्टा रखेंगे, ये सीधा और ये उल्टा। तो ये जो सिलाई छोड़ी थी अब उसको इस तरह पैक करना है, ये पीछे वाले पार्ट को इसमें पैक करेंगे। तो इसको इस जॉइंट से मिलाना है, इस तरह मिलाया। इस तरह मिलाने के बाद इस कपड़े को इसके ऊपर पलट देंगे इस तरह। यहाँ से एक पैर की मार्जिन से इसको मिलाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। जब ये सिलाई लगा देंगे तो ये इस तरह एकदम पैक हो जाएगी, अंदर की साइड पैक हो गई है। तो ये कंधे पे जॉइंट आपका नहीं टकराएगा और जब तुरपाई करेंगे तो इसको दबाते हुए इस तरह तुरपाई कर देंगे। तो इसी तरह हम इस तरफ भी सिलाई डालेंगे। तो एक बार फिर देखिए, तो बराबर से मिलाया और इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह दबा दिया और सिलाई एक पैर के मार्जिन से सीधा यहाँ तक लगाएंगे। इसको पकड़ के एक पैर के मार्जिन सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह इसको खोल देना है, तो ये पट्टियाँ दोनों इस तरह हो जाएंगी। इससे फिनिशिंग बहुत सुंदर आती है। तो अब यहाँ पे इसको बंद करना है
तो ये जो हमने कट लगाए थे इसको बिल्कुल आमने सामने इस तरह रख लेना है, हमारी सिलाई एकदम सीध में जाएगी। कट से कट को मिला लिया है और इस निशान को थोड़ा डार्क कर देंगे। इस निशान को इस तरफ लाएंगे, इस कपड़े को पकड़ा और इस साइड दबा देंगे। इस तरह निशान से निशान मिलाते जाना है और कपड़े को दबा देना है। इसको हटाया तो इसका निशान इधर आ गया, इस निशान को डार्क कर देंगे। इसी निशान पे सिलाई आपको चलाना है। अब यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। जो भी हाथ आपका सीधा पड़े उस साइड से आप सिलाई डाल सकती हैं। जैसे मैंने इस साइड ऊपर की साइड से लगाई थी सिलाई और इसको नीचे की साइड से ऊपर की साइड ले जा रही हूँ, तो आपका जो भी हाथ सीधा पड़े आप लगा सकती हैं। तो दोनों साइड सिलाई लग गई है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इसे सीधा कर दिया है और इसको अच्छे से दबा देना है इस तरह। अब ये नीचे के पार्ट्स बनाना है। इसको इस तरह मिलाया बराबर से और इसको इसी की सीध में मोड़ना है। बराबर इसी सिलाई की सीध से मोड़ेंगे इसको। इस तरह नाखून से दबा दिया है, ये इसके अंदर फोल्ड करेंगे। इसके पार्ट्स बनाना है। इसको इस तरह दबाया तो ये निशान बन गया। अब इसी निशान से हम एक बार इसको फोल्ड किया, उसी निशान के ऊपर फोल्ड कर दिया। अब एक बार हम फिर इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह और इसके पास से सिलाई ले जाना है। सिलाई अभी हम यहाँ से लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे और दूसरी सिलाई पूरा आपको इसी तरह दबाते आना है। फिर यहाँ पे भी आपको उसी तरह दबाना है। एक बार फोल्ड किया और दोबारा फोल्ड किया, तो इस तरह कोने बनाना है आपको। कपड़े को दबाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। इस तरह आपको बना देना है सिलाई को। इस तरह इस सिलाई के जॉइंट से दो पॉइंट ऊपर चढ़ाई है और इस तरह यहाँ पे घुमा दी है। बगल की साइड पे सिलाई डल गई है। अब दोनों पार्ट्स तैयार हैं। अब इसमें आस्तीन लगाना है। तो ये सीधा है और ये उल्टा है, तो अब सिलाई उल्टे की साइड से डालना है। ये जो निशान है इसी को इस तरह दबा दिया और यहाँ पे भी थोड़ा सा दबा दिया। दो पॉइंट अंदर की साइड कर दिया है और इसको इस तरह दबा देना। इसके पास से एक सिलाई लगाना है, इसके पास में डालना है एक सिलाई। इसकी तरह सिलाई इस पे लगाएंगे, इसी तरह सिलाई इस पे लगाएंगे। दोनों पे सिलाई लगा ली है। अब इस पे लेस लगाएंगे। जैसे हमने गले में लगाई थी बिल्कुल वैसे ही इधर लगाना है। यहाँ से सिलाई डालना शुरू करेंगे। तो दोनों में लेस लग के तैयार है। अब लगाने के बाद आप एक बार मिला के देख लीजिए कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। अब इसके बाद इसको उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा कर लिया है और ये जो निशान है इसको डार्क कर लेंगे। तो अब इन दोनों पे सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि दोनों आस्तीनों को एक दूसरे के सामने इस तरह रहना चाहिए कि गहराई एक दूसरे के सामने हो। तो इस तरह गहराई वाले एक दूसरे के सामने रखने के बाद एक बार नाप लेंगे कहीं हमारी आस्तीन छोटी तो नहीं हो रही है। तो एक बार इस तरह नाप लीजिए, बराबर ही है। और कभी भी आस्तीन अगर आपकी छोटी होती है तो जो मार्जिन यहाँ पे दिया जाता है उसे आप थोड़ा सा खोल सकती हैं, लेकिन आस्तीन को कभी खींच के नहीं लगाना है। अगर आपने आस्तीन खींच के लगाई तो ये वाला फूल जाएगा, आपका पहनते समय ये फूलेगा। तो आपको याद रखना है कि आस्तीन एक पॉइंट बड़ ही होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, मतलब खींचना नहीं है आपको।
ठीक है। तो इसको किस तरह लगाना है, अब आपको यहाँ से हाथ डालेंगे और इसके जॉइंट को पकड़ लिया और इसके जॉइंट को पकड़ लिया, जॉइंट से जॉइंट मिला देना है और इसको अंदर की साइड खींच लेंगे। इस तरह निकाल लिया है। अब दोनों सिलाइयों का ध्यान देना है कि जॉइंट से जॉइंट मिला रहना चाहिए और इसको इस तरह कर दिया। अब आपको एक पैर की मार्जिन से सिलाई डालना है और ये जो कपड़ा होता है मार्जिन का, तिरछा किया और सिलाई निकाल लेना है, मशीन को निकाल लेना है। तो इसको पूरा गोल घुमा दिया है, अब इसको सीधा कर लेंगे। तो आपको इसी तरह आस्तीन लगाना है, खींच के नहीं लगाना है। और अगर आप इसी तरह लगाएंगी तो आपकी आस्तीन एकदम उभर के आएगी। और अगर आपको गोल आस्तीन बनाते नहीं बनता है तो मैं आपको जल्दी ही खुली हुई आस्तीन लगाना सिखाऊंगी। तो इसी तरह अब इसको लगाना है। तो एक बार फिर देखिए, यहाँ से हाथ लिया और इसको पकड़ लिया, इस तरह सिलाई से सिलाई मिलाया और अंदर की साइड खींच लिया और सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और एक पैर के मार्जिन से सिलाई घुमा देंगे। तो कुर्ती बनके तैयार है। जैसा कि आप चाहते थे कि मैं आपको कुर्ती बनाना सिखाऊं, तो कुर्ती बनके तैयार है। अब आप बताइए क्या सीखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।